आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है धनुष युग। जी हाँ, मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में आ गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जटित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देती व्यामान वस्त्र आभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्य रमणियां अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी को घूर रही थी। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल काया व्रज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना छूटने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक के प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी वे प्रत्यंचा उस पर ना चढ़ा सके। चढ़ाना तो दूर, वो उसको हिला तक ना सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटना पड़ा। महाराज जनक को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म वेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं है, तो मैं ना तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और ना ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि अब मेरी पुत्री सीता आयु पर्वतन कुमारी रह जाएगी। परमात्मा ने उसके भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की ये बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, शुभ मन से दृष्टि नीचे झुका ली। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। परंतु
अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपकी ये शब्द सर्वदा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहां भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिवजी के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं? मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिला सकता हूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगीं और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। दोस्तों, ये कहानी थी धनुष यज्ञ की, जो कि मिथिला नरेश जनक जी ने आयोजन किया था कि अगर जो भी शिवजी द्वारा दिया गया धनुष पिनाक की प्रत्यक्षा को चढ़ा देगा, उससे वह अपनी बेटी पुत्री यानी कि सीता का विवाह कर देंगे। दोस्तों, आगे की कहानी जल्द ही लेकर प्रस्तुत होंगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।